वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल वेदर के साथ आपका करते हैं जी खुश आमदीद अपने चैनल पे। और आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को इतना लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो लोग सिर्फ चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब करें और फिर मेरे चैनल पे आएं और फिर मेरी देखें जी वीडियोज़। बैठ चुकी हूँ कार में और अभी मैं कहाँ जा रही हूँ वो आप लोगों को थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन वो सेलिब्रिटी बहुत ही ज्यादा फेमस है और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं और जो उनके ड्रेसेस हैं बहुत ही ज्यादा जो है फेमस है। तो वहां पहुंच के आप लोगों को मिलते हैं, तो जल्दी से कर दे जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ताकि आप लोगों को सबसे पहले मेरा ब्लॉग मिल सके। तो हम लोग पहुंच चुके हैं एमएम मालम रोड पे गुलबर्ग में, बहुत ही मशहूर लाहौर की ये प्लेस है। यहाँ पर बहुत सी बिग बिग सेलिब्रिटीज की जो है बुटीक्स हैं और यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं जनाब आपके सामने है काशीज़। और हम लोग आए हैं काशीज़ पे और यहाँ पर कुछ मुझे कॉस्मेटिक्स वगैरह तो लेनी ही लेनी थी, लेकिन इनका हेयर कलर जो कि बहुत ही मशहूर हुआ है मैं वो लेने स्पेशली आई हूँ। तो चले निकलते हैं, पहुंचते हैं, अंदर चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं जनाब इनकी सारी रेंज हेयर कलर्स की और आपके सामने मैं तमाम इनके जो हेयर डाइज है उसका करूंगी जनाब सामने ही ट्यूटोरियल और आप लोगों को दिखाऊंगी कि इन्होंने जो इतनी ज्यादा अपनी इस हेयर कलर्स की जो है बहुत ही ज्यादा पब्लिसिटी की हुई है, तो क्या वो कलर्स वाकई ही आप लोग बाय कर सकते हैं या नहीं। तो चले अंदर चलते हैं। और यहाँ पर एक ब्राइड थी उसको मैंने लिया नहीं, वो रेडी होके जा रही थी क्योंकि यहाँ पर इनका सलोन भी है और कॉस्मेटिक्स की शॉप भी है, ड्रेसेस भी है और ये सारा शूट एरिया है। यहाँ पर शूट होते हैं जनाब जो कि आप लोग देखते हैं इनके टीवी में, लाहौर की ब्रांच का भी और कराची की ब्रांच का भी। काशी सैलून पे मैं आई हुई हूँ जी और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त कॉस्मेटिक्स है, वही बाय करने के लिए जी। ये है वेटिंग एरिया और यहाँ पर जो है जनाब आप लोग बैठ के वेट कर सकते हैं, जो भी आपकी ब्राइडल्स रेडी हो रही है एंगेजमेंट की, जो भी ब्राइडल्स रेडी होती हैं वो भी ऊपर होती हैं और आप लोगों की फैमिलीज अगर आती है तो इन लोगों ने ये स्पेशल एरिया बनाया हुआ जहाँ पर आप लोग वेट शेट कर सकते हैं। यहाँ पर इनके ड्रेसेस भी डिस्प्ले हैं जहाँ से आप बाय करके फौरन से पहन भी सकते हो और इसके बाद आप लोग जो है यहाँ से कॉस्मेटिक्स भी ले सकते हो। बहुत सी जबरदस्त इनकी रेंज है हेयर कलर्स में भी और बहुत ही ज्यादा वेरायटी है इनके पास। और आप लोग यहाँ पर जब आते हो तो आप लोग कॉस्मेटिक्स के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें भी बाय कर सकते हैं जो कि ये लोग अपनी वीडियोस पे दिखाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि स्पेशली हेयर कलर लेने आई हूँ, यहाँ पर जो है ग्लिटर की आई शेडो की बहुत ही ज्यादा वैरायटी है और बहुत अच्छे कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं जो कि आप लोग देखते हो कि जब आप काशी का मेकअप देते हो तो स्पेशल चीज क्या होती है, ग्लिटर से भरी हुई आंखें और वो इन्हीं से की जाती है क्योंकि इस शेड्स को यूज किया जाता है ग्लिटर के तौर पर आई शेडो में और जिससे आईज बहुत ही प्यारी लगती है और बहुत बिकट लगती है। ये इनकी स्पेशलिटी और ये हर ब्राइडल के ऊपर ये वाला जो है मेकअप अप्लाई करते ही करते हैं उसके ड्रेस से मैच करता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते बहुत ही फेमस आप लोगों को ये लहंगास नजर आ रहे हैं जो कि हर जो है मॉर्निंग शो में आप लोग देखते हो कि ये जीनत बनते हैं हर मॉर्निंग शो में, जो भी होस्ट होती है वो भी पहनती है जनाब, जितनी भी सेलिब्रिटीज आती हैं वो भी काशीज़ के लहंगे पहनती हैं। और आप लोगों ने मॉर्निंग शो में जितनी भी निदा पाशा के जितने भी आ रहे हैं मॉर्निंग शोज आपने देखे होंगे, उसमें बहुत ही इन्होंने जो है ये सारी वेरायटी दिखाई हुई है और बहुत ही कलर्स वगैरह वाइब्रेट होते हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो क्रेजी होते हैं और आके काशी के लहंगा बाय करते हैं। जबकि अगर इनको करीब से देखा जाए तो ना तो मटेरियल अच्छा है और ना वर्क अच्छा है, लेकिन जस्ट इसके कलर स्कीम की वजह से, कलर थीम की वजह से लोग जो हैं वो क्रेजी हैं और बहुत दूर दूर से लहंगा लेने के लिए आते हैं। अब देखें एक अगर नॉर्मल लाइट्स में आप देख रहे हो कोई चमक धमक नहीं है, जबकि ये जब शोज पे जाते हैं वहां पर इतनी लाइट्स होती हैं कि वहां पर ये लहंगा ऐसे लग रहे होते हैं कि पता नहीं भाई बंदी ने क्या चीज पहनी हुई है। तो अब आ जाते हैं जनाब यहाँ पर जो कि मैं जिस मकसद से आई हूँ, बातें शातें तो बहुत हो गई,
मैं लेने आई थी जनाब इनका हेयर कलर, और मैंने करना है अप्लाई अपने हेयर्स के ऊपर, क्योंकि मेरे हेयर जो हैं वो नॉर्मल से हैं ब्राउन, और उसके ऊपर हम कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मामा भी ट्राई कर रहे हैं लिपस्टिक्स, जो कि उनको कलर चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल है। अब देखते हैं कि मामा को अच्छा लगता है या नहीं लगता, तो मामा भी अपने लिए बाय कर लेंगी। उफ, तो बातें बहुत सी हो चुकी हैं, और मैंने यहाँ पर चूज कर लिया है जनाब बहुत ही जबरदस्त सा कलर। देखते हैं कि जो मैंने सोचा है क्या ये कलर एज इट इज आ जाएगा मेरे हेयर्स पे कि नहीं आएगा, और फिर मैं आप लोगों को इसका जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी करके दिखाऊंगी। और ये है जी ब्राइडल का बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा, जो कि बहुत से शोज में भी जी बड़ी चमक के साथ आता है। यहाँ से हम लोगों ने चीजें वीजें ले ली हैं, पे करने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नहीं चलता, आप लोगों को कैश रखना पड़ता है जनाब अपने साथ। ये लोग क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पेमेंट का बड़ा इशू है जी जनाब यहाँ पर। तो हमने कर दिए पेमेंट वेमेंट, और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, और भूख भी शदीद किस्म की लगी हुई है। तो ये हमने काशी से सामान ले लिया है, और यहाँ पर आप देखिए काशी का कितनी खूबसूरत जो है इन्होंने डेकोरेशन की हुई है, और काफी अच्छा इंटीरियर रखा हुआ है। थैंक यू सो मच, काम शाम तो जनाब हमने यहाँ से कर लिया, सारा कुछ पैक भी करवा लिया, घर चलते हैं। घर चल के मामा ने भी कुछ चीजें ली, कुछ मैंने हेयर कलर्स लिए हैं, हेयर डाइज लिए हैं, वो जाके आप लोगों को ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगी इनके कलर्स, जो कि ये लोग बड़ा दिखाते हैं कि जी हमारे कलर्स करें तो जी ऐसे हेयर्स हो जाते हैं, हमारे कलर करें जनाब वैसे हो जाते हैं, और बेस्टेस्ट ये लोग अपना बताते हैं कि इनका हेयर कलर है। अब हमें लग चुकी है भूख आते आते, घर शाम हो चुकी है, बल्कि रात ही हो गई है, तो हम लोग दोपहर से निकले हुए हैं और रात हो चुकी है जनाब। जल्दी से खाते हैं कुछ खाना, और मदनी सज्जी न्यू ओपन हुआ है बैरियर टाउन में, तो हम लोग ने ये ट्राई करते हैं, उसके बाद जनाब पहुंचते हैं घर। और भूख से बुरा हाल था, तो अभी तक तो हमने खाया पिया कुछ भी नहीं, घर जाएंगे इंशाल्लाह, घर पहुंच के फिर खाएंगे, और उसके बाद आप लोगों को दिखाना है जनाब हेयर ट्यूटोरियल। जनाब अभी आ चुके हैं हम घर, और लस्सी रास्ते से लेते हुए आए हैं, बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही है, तो चले जी जल्दी से खाना खाते हैं, और खाना खा के स्टार्ट करते हैं अपना हेयर कलर। तो जनाब अली आज मैं लेके आई हूँ काशी प्रोफेशनल का हेयर कलर, जो कि नेचुरल प्लांट से एलिमिनेट हुआ है ब्लॉन्ड कलर का, और यहाँ पर ब्लॉन्ड कलर 20 वॉल्यूम का जो है वो ब्लॉन्डर है, और ये ब्यूटीफुल सी पिक्चर है जी काशी की, काशी ब्यूटी पार्लर ब्राइट एंड बेस्ट, और यहाँ पर इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा हुआ। पीछे जो है बादल बहुत ही ज़्यादा गरज रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तो मैं आज आप लोगों को इनका कलर का जो है रिजल्ट दिखाऊंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जनाब हम लोग करने लगे हैं एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन करने लगे हैं काशिश की प्रोफेशनल ब्लॉन्ड हेयर कलर्स के लिए, बहुत ही अच्छी सी इन लोगों की आती ब्लॉन्ड गर्ल के नेम से ट्यूब आती है जी। ये नंबर है जी 770, ये नंबर है जी, और मेरे हेयर कलर का जिसका भी कलर हो वो ये ले सकते हैं, इंटेंस मीडियम ब्लॉन्ड ये कलर है, शेड है, आप लोग यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों का कलर मेरे हेयर कलर से मैच होता है, बहुत ही जबरदस्त इनकी रेंज है जनाब। आप इसको ओपन करते हैं, बॉटल तो काफी बड़ी है, और ये मेड इन इटली है हेयर कलर, 100 ml की ये जो बॉटल है जनाब, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका कलर कैसा आता है। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूं, आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि इसका कलर कैसा आता है। उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे रिव्यूज लेके आऊँ। और बादल गरज रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी है बड़ी जबरदस्त मूसलाधार बारिश। तो ट्यूब की पैकिंग तो बहुत ही अच्छी है, इसको ओपन करते हैं और इसको करते हैं जी मिक्स एंड मिक्स। ये आप सबको पता होगा कि कैप के पीछे आता है, जिससे हम लोग इस सील को ओपन करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से करते थे हम पुश करते हैं, पुश करने के बाद हम लोग थोड़ा सा प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद मैं जिसमें मैंने अपना मिक्स करना है वहां पर ये ट्यूब को हम डाल लेंगे। तो ये पूरी ट्यूब ही जाएगी, क्योंकि मेरे के ऊपर पूरी एप्लीकेशन होगी, और एक जैसा कलर लाने के लिए आप लोगों को पूरी ट्यूब जो है वो डालनी पड़ेगी। तो जनाब मैंने ट्यूब जो है वो फुल जो है इसके अंदर ऐड कर दी है, इस अपने बॉल के अंदर। अब आता है जी ब्लॉन्डर, और ब्लॉन्डर है ब्लॉन्ड कलर के नाम से क्रीम डेवलपर इनका, बहुत ही अच्छा है काशी का, वो भी हम लोग इसके अंदर डालेंगे। अच्छा अगर आपने फुल ट्यूब ली है तो फुल ही डेवलपर जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ 20 वॉल्यूम लिया, 6% है, और 150 ml है ये, ठीक है, ये आपने फुल इसके अंदर ऐड कर देना है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, और फिर करेंगे जी इसको मिक्स एंड मिक्स। आपने देखा होगा कि काशी बड़ी जबरदस्त तरीके से इसको मिक्स करते हैं, दो कलर्स लेते हैं, टू कलर्स को ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद बहुत अच्छे से वो कलर्स भी बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग भी इसका ट्राई करते हैं और देखते हैं, बहुत से ब्रांड्स यूज किए हैं, क्यों ना हम लोग इसका भी ऐड करते हैं, इसका भी ट्राई करते हैं।
तो ये मेरी पूरी चिलकी है इसके अंदर बॉटल। ऐसे ब्रांड्स तो हम लोग यूज कर चुके हैं कि ना मैंने सोचा कि काशी को भी ट्राई किया जाए। काशी का बहुत नाम है और आप लोगों को पता है सेलिब्रिटीज ज्यादातर काशी के ऊपर ही ट्रस्ट करती हैं, चाहे हेयर कलर हो जाए, हेयर कट हो जाए, विक्स हो जाए, मेकअप हो जाए, काशी बहुत ज्यादा फिर चाह रहा है। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी जो है पे नहीं किया क्योंकि मैं ही इसका रिव्यू देना चाह रही हूँ, दैट्स व्हाई मैं उनकी बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी सी तारीफें भी कर रही हूँ। आप देखते हैं कि एप्लीकेशन के बाद उनकी तारीफ जो है वो तारीफ के काबिल है कि नहीं और कलर कैसा आता है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलो इसको मिक्स एंड मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। इस तरीके से अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना ताकि दोनों चीजें जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए और देन आप अप्लाई करें अपने हेयर के ऊपर। और ग्लव्स आपने पहने हुए हैं जनाब, ऐसे ही नहीं अप्लाई करते हैं क्योंकि कलर अगर आपके हाथों के ऊपर आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो ये जरूर प्रोवाइड की जिनके ग्रे कलर के हेयर है, अगर ग्रे है उसको कवरेज चाहिए वो भी हम देखेंगे। जी ग्लव्स और ग्लव्स लास्ट में आपने पहनने हैं और मेरी पता नहीं आवाज आप लोगों को कैसी आ रही है, तो ग्लव्स में लेकिन इसके साथ ग्लव्स नहीं आते। देखें अब इतनी बड़ी ब्रांड है और इन लोगों ने ग्लव्स नहीं इसके साथ दिए जबकि इनको देना चाहिए। बाकी जितनी भी ब्रांड्स हैं वो लाजमी ग्लव्स देती हैं ताकि आप लोग अपने हेयर पे एप्लीकेशन अच्छे तरीके से कर सके और आपके हाथों के ऊपर ना जाइए। दूसरी वाली ब्रांड है जैसे गार्नियर वगैरह, उसके मैंने ग्लव्स चेक कर दिए थे और वो भी मैं पहन रही हूँ। हेयर कलर चेंज करते रहना चाहिए जनाब, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं ताकि आपकी हेयर डैमेजिंग हो जाए। आप लोगों के साथ एक और प्रोडक्ट का भी जरूर रिव्यू शेयर करूंगी, वो भी मुझे बहुत पसंद आया है। नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों के सामने एक और बहुत जबरदस्त ब्रांड आने वाली है, कौन सी है वो हेयर के लिए कैसी है और किस तरह का रिजल्ट है उसका सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए जी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं और आप हमको भी दिखाते हैं। तो जहाँ जिस तरीके से पहले सबसे पहले मेरा ये जो तरीका है खुद से करने का वो ये है कि सबसे पहले मैं अपर लेयर को कवर करती हूँ, देन मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसको अप्लाई करती जाती हूँ। अब इस तरीके से लेयर टू लेयर आप लोगों ने अपनी हेयर्स की जो है इस तरीके से पार्ट्स बनाते जाना है और उसके ऊपर अप्लाई करते जाना है। क्योंकि मेरे जो है ना स्ट्रीक्स करवाई थी, वो स्ट्रीक्स के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इनका ट्राई किया जाए क्योंकि इनके कलर की बहुत ज्यादा तारीफ सुन रही थी। तो मैंने सोचा जनाब अप्लाई किया जाए और देखा जाए कि कैसा। और इसी तरीके से रूट से लेके एंड्स तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मसाज कर रहे हैं ताकि आपकी जो रूट्स हैं इसके ऊपर भी अच्छे तरीके से लग जाए। ये घर में जब एप्लीकेशन करें तो लास्ट ये वाला ट्रिक जरूर आजमाया करें। आप देखेंगे कि आपके एक एक हेयर्स के ऊपर जो है ना हेयर कलर जो है आ चुका है, जो भी ब्रांड का आप यूज करते हो तो जना कलर तो आना शुरू हो गया। आप देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है। अब ये मेरे बाल मेरे हेयर्स ऐसे हो चुके हैं कि अब हम इसको करेंगे क्लिपर। अच्छा जी, प्लास्टिक कैप पहनने के बाद आपने 30 मिनट तक इसको रहने देना और फिर वॉश कर लेना। जरा भी अली मैंने कर लिया जी हेयर वॉश और हेयर वॉश करने मुझे इनका हेयर कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत ज्यादा रफ हो गए हैं हेयर्स और बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रहे। और कलर अच्छा है, बस ठीक ही कलर भी है क्योंकि मैंने तो उसी के ऊपर एप्लीकेशन किया है, सेम जो मेरा कलर था वो ही। तो होप आप लोगों को आज का मेरा ये जेन्युइन रिव्यू अच्छा लगा होगा। काशी का जितने भी हेयर डाइज हैं, हेयर कलर्स हैं, बिल्कुल ब्रांड अच्छी नहीं है। इस लिहाज से मेकअप में उनका कोई सानी नहीं, उनका मेकअप अच्छे हैं, आई शेडोज अच्छे हैं और एक मुझे उनकी लिक्विड फाउंडेशन बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उससे भी एक्ने होना स्टार्ट हो जाती है। तो बहरहाल जी ये था जी जेन्युइन रिव्यू हेयर कलर का। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर देगा और शेयर करना बिल्कुल ना। तो ये देखें ये आया जी मेरा हेयर कलर और ये काशी का रिजल्ट ये है। बस हेयर जो है काफ़ी ड्राई हुए हैं, इतना कोई अच्छा जो है इनका हेयर कलर नहीं है, मतलब कि स्मूथ एंड सिल्की उसने नहीं किया लेकिन कलर अच्छा है। एक दफ़ा अप्लाई करने के बाद कलर अच्छा ही आता है। बहरहाल जी होप आप लोगों को आज का हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर देगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नए रिव्यू के साथ माय लाइफ भी हाजिर होगी। तब तक दें जी मुझे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।